हेलो एरी वन आई एम तृप्ति वेलकम टू एन पी सी द चैनल वेल कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड यस चैप्टर नंबर थ्री करंट इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट कर चुके हैं एंड इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज करंट डेंसिटी ओके सो इलेक्ट्रिक करंट विल बी डिफाइंड एज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी एंड इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई बाई एके करंट डेंसिटी को हम एंड जे से रिप्रेजेंट करते हैं इट इज इक्वल टू आई बाई ए टोटल करंट अपॉन द एरिया ओके ये हमने लास्ट की वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओके और ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफी इम्पोर्टेंट भी है एज योअर बोड परपजस ओके सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कुछ इनिशियली आपको थियरी स्टडी करना है एंड देन आपको इसका डायरेवेशन प्रूफ करना है ओके तो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने के पहले हम कंडक्टर के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है पहले वो जान लेते हैं ठीक है तो आपको ये पता है कि कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होता है तो वो किसके कारण होता है ठीक है सपोज आपने ये कंडक्टर एज्यूम कर लिया ये क्या है कंडक्टर है अब कंडक्टर में क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्चुअली कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटम्स मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं वो काफ़ी टाइटली बाउंड होते हैं ठीक है हम सॉलिड कंडक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर सॉलिड कंडक्टर में क्या होते हैं कि एटम्स लॉट्स ऑफ एटम होते हैं लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं तो एटम्स जो हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं एंड एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है जैसे हमने ये एटम ए एंड एटम बी सपोज कर लिया ठीक है अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो ए इलेक्ट्रॉन या ए एटम के आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बी के आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है ऐसे तो काफी सारे एटम्स एंड मोलिक्यूल्स हैं कंडक्टर में तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं इंटरेक्ट करते हैं एंड देन एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ठीक है एनर्जी जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है एक होती है लोअर एनर्जी लोअर एनर्जी एंड सेकेंड वन इज हायर एनर्जी ओके लोअर एनर्जी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड न्यूक्लियस है उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है या फिर जो बाउंड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है सो so, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्री नहीं हो पाते इलेक्ट्रॉन इस एटम को लिब्रेट नहीं कर पाते छोड़ नहीं पाते ठीक है मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या है यहीं पर है उनको एनर्जी मिली नहीं तो वो बैठे रहे एक ही जगह पर ठीक है इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ठीक है जो कि अपने एटम को पेरेंट एटम को नहीं छोड़ते हैं कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाउ एनर्जी की बात करें तो इंट्रेक्शन में जिस इलेक्ट्रॉन के पास हायर एनर्जी गई वो इलेक्ट्रॉन इस पेरेंट एटम से लिबरेट होके कंडक्टर के इनसाइड फ्रीली मूव करता है ओके एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज सेट टू बी फ्री इलेक्ट्रॉन ठीक है इसे हम क्या बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन एंड यस आपको पता है कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है वो किसके कारण होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ओके okay, हमको पता है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कांस्टिट्यूट होता है दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन ठीक है ये लोअर एनर्जी में क्या होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड हायर एनर्जी में फ्री इलेक्ट्रॉन अब अगर आप यहाँ पर सॉलिड कंडक्टर की बात करें अगर आप इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ले लें ठीक है मींस लिक्विड ले लें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होता है पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एंस की वजह से दोनों की वजह से होता है ठीक है बट case ऑफ सॉलिड कंडक्टर मीन्स मेटल्स अगर लें तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट कंस्टीट्यूट होता है फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण ठीक है क्लियर है अब बात करते हैं हम जब हम इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करें तब क्या क्या कंडीशंस होगी एंड जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें इस कंडक्टर पर तब इस कंडक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट का ठीक है तो फर्स्ट केस हम यहाँ देखते हैं एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके मीन्स अगर आप एक कंडक्टर ले लेते हैं कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लेंथ एल ये सब कॉमन सी टर्म है जो कि हम हर कंडक्टर के लिए सेम सहमज्यूम करेंगे ठीक है अब हम एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये स्टडी किया है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस एक्मलेट हो जाते हैं ऑन द सर्फेस एंड ओके एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो होता है ठीक है ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर इज जीरो बिकॉज़ ऑल चार्जेस रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ठीक है सभी चार्जेस कहां होते सरफेस पे कंडक्टर के सरफेस पे होते हैं इसीलिए इंटरनल जो इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है ठीक है ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में पढ़ा है अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो क्या इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करेंगे ओके हमारा क्वेश्चन यह है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का मोशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स एक ही प्लेस पर बैठे रहेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं उस टाइम भी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा ठीक है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा ठीक है बट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेंगे एंड उस डायरेक्शन के इक्वल एंड ऑपोजिट में अदर इलेक्ट्रॉन्स मोशन करेंगे एंड मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो ठीक है जीरो है मोशन तो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होगा ही नहीं बट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है देखिए एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा वो क्या होगा रैंडम होगा ठीक है इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम कैसे होता है तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्टर के इनसाइड पॉजिटिव आयंस होते हैं ठीक है तो इलेक्ट्रॉन्स एटम से निकला और वहाँ पर वैकेंसी जो क्रिएट हुई है जो बैकग्राउंड पे आयन्स छोड़ के गया वो पॉजिटिव आयन है ठीक है तो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के इनसाइड में पॉजिटिव आयन एंड अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनसे बार बार कोलाइट करता रहता है ठीक है मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोलाइट किया फिर क्लीजन के बाद में नेक्स्ट एटम से कोलाइट किया तो ये जो क्लीजन है वो लगातार चलता रहता है और वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में चलता है ठीक है इसी को बोलते हैं हम रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है एंड रैंडम मोशन को ही आप थर्मल मोशन भी कहते हैं ठीक है रैंडम मोशन इज आल्सो कॉल्ड थर्मल मोशन थर्मल मोशन भी कहते हैं ठीक है एक्चुअली जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट किया उसने मोशन ठीक है नेक्स्ट पॉजिटिव आयन या इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हुआ इलेक्ट्रॉन जैसे आगे बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी उसकी हाई हो जाती है बट जैसे जे, ही कुलिजन होगा ठीक है पॉजिटिव आयन से इस इलेक्ट्रॉन का कुलिजन होगा काइनेटिक एनर्जी को वो लॉस कर देता है ठीक है फिर अगेन वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है ठीक है फिर अगेन क्या होता है कॉलाइड होता है और फिर काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है ठीक है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये पूरा जो प्रोसेस है कॉलिजन का फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का गेन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये प्रोसेस इनसाइड द कंडक्टर चलता रहता है ठीक है नाउ जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करें उस टाइम मोशन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा रैंडम मोशन होगा ठीक है तो रैंडम मोशन इस तरह से होगा इलेक्ट्रॉन ने पॉइंट ए से सपोज स्टार्ट किया है ओके अब ए से स्टार्ट किया है और अगले उसके मोशन में कोलिजन हुआ पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन से कोलिजन हुआ फिर देन स्टार्ट किया मोशन ठीक है नेक्स्ट कोलिजन हुआ देन स्टार्ट किया मोशन अगेन कोलिजन हुआ कुलीजन होते होते ये मोशन इस तरह लास्ट में इलेक्ट्रॉन जहाँ से स्टार्ट किया है मोशन वहीं पर आ गया ठीक है अब ये जो मोशन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का कुलीजन के बाद दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन ओके रैंडम मोशन को ही हम थर्मल मोशन कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर थर्मल वेलोसिटी या फिर थर्मल स्पीड इलेक्ट्रॉन की एक्चुअली थर्मल का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के मीन्स ये जो कंडक्टर है कंडक्टर के इन साइड टेम्परेचर कुछ और होगा आउटर साइड एटमोसफियर का टेम्परेचर कुछ और होगा ठीक है मान लो सपोज यहाँ ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस है यहाँ ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर की डिपेंडेंसी के कारण भी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है तो इसी को बोलते हैं थर्मल मोशन ठीक है motion, तो थर्मल मोशन हुआ अब यहाँ थर्मल वेलोसिटी कितनी हुई थर्मल स्पीड जो है स्पीड हम काउंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो, तो यहाँ डिस्टेंस तो पूरा जो रैंडम मोशन में डिस्टेंस हुआ टोटल डिस्टेंस वो आप काउंट करेंगे ठीक है तो थर्मल स्पीड तो होगी ठीक है कुछ फिक्स होगी बट थर्मल वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी ज़ीरो क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का हुआ ही नहीं ठीक है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है देन थर्मल वेलोसिटी क्या होगी जीरो ठीक है तो हम फर्स्ट मतलब इस कंडक्टर में तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए थर्मल वेलोसिटी यू वन कंसिडर करते हैं ठीक है थर्मल वेलोसिटी का सिंपल सा मीनिंग है इनिशियल वेलोसिटी ठीक है इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी वेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट ठीक है हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए U1 वन थर्मल वेलोसिटी सपोज करते हैं ठीक है सेकेंड के लिए U2 टू एंड सो वन यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी भी n होगी ठीक है so, सो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी n ठीक है सो टोटल एवरेज थर्मल वेलोसिटी U1 वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री एंड सो वन यू होगी ठीक है बाई कितने एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो एन से डिवाइड कर दो तो टोटल एवरेज थर्मल वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी जीरो ठीक है क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है तो यहां पर थर्मल वेलोसिटी एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जीरो ओके ये क्लेस क्लियर है नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रेजेंट रहे मींस अगर आप कंडक्टर ये कंडक्टर लिया आपने अब इस कंडक्टर को आपने बैटरी के थ्रू ऐड कर दिया ठीक है तो बैटरी के थ्रू पोटेंशियल मिला इस कंडक्टर को ठीक है ये हायर पोटेंशियल एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ ओके अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है या टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज ओके तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं अब यहाँ पर चार्जेस एक्ूबलेट नहीं होंगे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कंडक्टर के रिसाइड्स में मीन्स उसके सरफेस पे एक्यूमलेट हो जाते हैं ठीक है चार्जेस तो एक्यूबलेशन के कारण चार्जेस का मोशन नहीं होता और मोशन नहीं होता है इट मीन्स वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आपको कंस्टिट्यूट नहीं मिलता है ठीक है बट यहाँ पर मोशन होता रहता है ये जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है इस कंडक्टर को कनेक्ट किया है बैटरी से तो ये बैटरी का काम क्या है चार्जेस को मोशन करवाना ठीक है तो यहाँ पर एक्यूमलेशन ऑफ चार्जेस नहीं होता है ठीक है तो ये वाला जो पार्ट है अब आपको दिख रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक्साइड के सरफेस पे साइड के सरफेस पे होंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं ठीक है तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्र इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ये होगा ठीक है अब ये बात क्लियर है अब यहाँ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कैसे होगा मोशन कैसे स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रॉन्स में तो अगेन इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा रैंडम मोशन करेगा यहां पर भी इलेक्ट्रॉन ने सपोज पॉइंट ए से स्टार्ट किया रैंडम मोशन करना ठीक है इस तरह से किया, मोशन किया रैंडम मोशन ओके एंड देन यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया मीन्स ए से स्टार्ट किया एंड एड एस पोजिशन की फाइनल पोजीशन बनी ठीक है अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में. में है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है इन दिस डायरेक्शन ओके नाउ इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा ये मोशन हुआ इलेक्ट्रॉन का वो किस डायरेक्शन में है होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है तो यहाँ मोशन करते करते रैंडम मोशन करते करते इलेक्ट्रॉन का जो फाइनल पोजीशन होगा ए टू ए डैश ठीक है तो ये जो डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं कहेंगे सॉरी डिस्प्लेसमेंट ये जो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन ने कवर किया सो दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ए टू ए डैश ये क्या हुआ इलेक्ट्रॉन ने डिस्प्लेसमेंट किया ठीक है सो द वेलोसिटी करस्पोंडिंग टू दिस डिस्प्लेसमेंट इस डिस्प्लेसमेंट में इलेक्ट्रॉन के पास जितनी वेलोसिटी आई उस वेलोसिटी को ही बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ठीक है मीन्स इलेक्ट्रॉन इस पोजिशन से ड्रैग हुआ कुछ पॉजिशन दूर ठीक a a है ए टू बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन का मोशन इन दिस डायरेक्शन ठीक है मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हमेशा जो डिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ हमने डेफिनेशन लिखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर ठीक है इन साइड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट के कारण जो वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई डेट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओके एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है वी से रिप्रेजेंट करते हैं अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हुआ मींस इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में एक्सेलरेट हुआ ठीक है थीके? तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं ए इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू ई ई बाय एम ओके यहाँ नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ये फॉर्मूला कैसे आया तो आपको पता है एफ इज टू होता है एम ए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन अब इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स अप्लाई हुआ दैट इज ई इंटू ठीक है ई e वेर ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड ओके ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके तो ये थ्री थिंग्स है जिसपे एक्सेलरेशन डिपेंड होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जनरेट किया ओके okay. एक और न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुई दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम ओके रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स के कुलिजन होते हैं ठीक है ये इलेक्ट्रॉन है अब इलेक्ट्रॉन ने कुलिजन किया पॉजिटिव से, ठीक है तो टू सक्सेसिव क्लीजन के बीच में जो टाइम पीरियड हुआ दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम ठीक है अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो काफ़ी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पर लिखते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल्स टू रिलैक्सेशन टाइम फॉर वन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन एंड एंड सो ऑन थ्री एंड फोर अप टू एन ठीक है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर में सो एन इलेक्ट्रॉन्स के लिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होगा दिस ओके ये हुआ रिलैक्सेशन टाइम नाउ वेलोसिटी ठीक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इच इलेक्ट्रॉन ठीक है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसीडर करें तो टोटल जो वेलोसिटी होगी उसमें थर्मल वेलोसिटी भी इंक्लूड होगी ठीक है मीन्स इनिशियल वेलोसिटी एंड u इज इक्वल टू ए टी ये हमने फॉर्मूला रीड किया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ये क्लास इलेवंथ में है फॉर्मूला थ्री फॉर्मूले हैं मोशन के v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यहाँ वी इज फाइनलिटी मीन्सर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो ठीक है u इनिशियल वेलोसिटी या फिर थर्मल वेलोसिटी जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया a इज द एक्सेलरेशन फॉर इच इलेक्ट्रॉन इज सेम एंड t इज रिलैक्सेशन टाइम ठीक है सो रिलैक्सेशन टाइम लेक्ट्रॉन विल बी डिफरेंट ठीक है सो टाओ वन कंसिडर करते हैं फर्स्ट के लिए ठीक है सिमिलरली सेकेंड के लिए हमने वी टू कंसिडर किया एंड दिस इज यू टू प्लस ए टाओ टू ठीक है अप टू एन ठीक है अप टू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो वी एन इज इक्वल्स टू यू एन प्लस ए टाओ ना टोटल या फिर एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन साइड द कंडक्टर ठीक है एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस अप टू वी एन डिवाइडेड बाय एन ना वी वन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए यू वन प्लस ए टाओ वन वी टू यू टू प्लस ए टाओ टू अप टू यू एन प्लस ए टाउ एन ओके एंड डिवाइडेड बाय एन ओके इससे आप सेग्रीगेट कर लीजिए यू वाली जो टर्म है यू वन प्लस यू टू प्लस यू एन डिवाइडेड बाई एन हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एंड ए कॉमन है सो ए टाउ वन टाउ टू प्लस एंड सो एन टाउ एन एंड डिवाइडेड बाई एन ओके अब यहाँ दिस इज द एवरेज relaxation टाइम एंड दिस इज द थर्मल वेलोसिटी ठीक है एवरेज थर्मल वेलोसिटी सो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमने पहले डिफाइन किया है क्या है जीरो होती है ठीक है सो वी डी यहां से आपको मिला ए टाउ ठीक है एंड ए ए क्या है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है माइनस ईंटू टाउ बाई एम ठीक है ये इक्वेशन इस तरह से हुई अगर इस इक्वेशन का मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लें ठीक है सो क्या होगा बी डी इज इक्वल टू ई एम ठीक है बस नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ठीक है नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन हमने स्टडी किया है बी इज टू पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी इज इक्वस टू ई इन डी होता है मीन्स लेंथ ठीक है तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है एल तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वस टू क्या होगा वी बाई एल ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं ई के प्लस पे वी बाई एल पुट कर लीजिए ठीक है तो वी डी इज इक्वस टू हुआ ई टाउ सॉरी वी के प्लेस पे ई तो e, e, के प्लेस पे वी बाई एल एम एल ठीक है तो हम इलेक्ट्रिक सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल हमने इस तरह से डिफाइन कर दिए ठीक है ओके सो अवर फाइनल इक्वेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल्स टू ई वी टाउ बाई एम एल नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन

फॉर्मुलेट किया था दैट इज़ वी डी इज इक्वल्स टू ई ई टाउ बाई एम ओके वेर ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम एंड एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर मूव कर रहे हैं सो so हमने इलेक्ट्रॉन का मास लिया ओके okay, तो ये होता है वी डी एंड जे अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है तो उसके लिए सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है ओके एंड इन दिस कंडक्टर विल बी अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ठीक है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज एल ओके मीन्स आपके पास एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है एंड लेंथ कितना है एल ओके okay. अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का या फिर इस कंडक्टर का कहें वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम ठीक है आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए एंड लेंथ ए एल तो वॉल्यूम क्या होगा कंडक्टर का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों का मल्टीप्लाई तो एरिया तो ऑलरेडी टू क्वांटिटी का मल्टीप्लाई है एंड लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर क्लियर है नौ no. अब हम क्या करते हैं सपोज इस कंडक्टर के एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लेते हैं जिसमें डेल क्यू करंट या डेल क्यू चार्जेस फ्लो हो रहे हैं इन अ पर्टिकुलर टाइम डेल टी ठीक है तो डेल टी टाइम में डेल क्यू चार्जेस का जो फ्लो है दैट इज अगर आप इलेक्ट्रिक करंट निकालना चाहें सो आई इज इक्वल्स टू क्या होगा चार्ज फ्लोन इन दिस कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर टाइम डेल टी यही होता है हमारे पास ओके ये फॉर्मूला आपको आगे इसी डेरिवेशन में आगे के स्टेप में यूज होगा ठीक है अब हम लेंथ को वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे ठीक है मीन्स वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यहां पर तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में अगर लेंथ को लिखें तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है डिस्टेंस एल एंड पर्टिकुलर टाइम अगर डेल्टी लें हम तो क्या होगा वी डी इजिक्वस टू एल बाई डेल टी तो एल के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं वी डी इंटू डेल टी ओके तो आपके पास वॉल्यूम क्या हुआ वॉल्यूम इजिक्वस टू एल के प्लेस पे आप लिख दें वी डी डेल टी ठीक है वी डी डेल टी इंटू ए ये आपका वॉल्यूम हुआ और ये वॉल्यूम क्या है टोटल कंडक्टर का ओके okay. टोटल कंडक्टर का वॉल्यूम है इस पॉइंट को मैं ज़्यादा हाईलाइट करके आपको इसलिए समझा रही हूँ कि अब हम क्या करेंगे एक यूनिट एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे ठीक है सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ यूनिट एरिया ठीक है यूनिट एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सपोज हम स्मॉल एन कंसिडर कर लें ठीक है तो टोटल वॉल्यूम में कितना होगा या फिर इस इक्वेशन को इस लाइन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम ठीक है यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन है ठीक है मीन्स ये वॉल्यूम डेंसिटी है तो टोटल कंडक्टर में इस कंडक्टर को हमने जैसे वन मीटर क्यूब वन मीटर क्यूब इस तरह से डिवाइड कर दिया 1 वन मीटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एन है ठीक है थीके? तो आपको बताना है इस पूरे कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन कंडक्टर तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे पर यूनिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर ओके वॉल्यूम क्या है यहाँ पर वी डी डेल टी इंटू ए आई होप ये क्लियर है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ठीक है मीन्स इस पर्टिकुलर कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये ठीक है इस क्वांटिटी से आप दे सकते हैं नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर ओके मीन्स आपको एन की वैल्यू पता चल गई तो आप टोटल चार्ज की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं क्यों क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है डेल क्यू मीन्स आपके पास जो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है दैट इज़ क्यू इज टू एन ई तो यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए चार्ज की वैल्यू डेल क्यू सपोज किया था तो डेल क्यू इज इक्वल्स टू एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां यहाँ पर कैपिटल एन हमने सपोज किया है एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिस इज ओके एन की वैल्यू यहाँ से पुट करिए एन वी डी डेल टी ए इंटू ओके सो e. okay, so आपके पास क्या हुआ एन ई ए वी डी डेल टी ओके मीन्स डेल क्यू की वैल्यू आपके पास ये आई अब हम डेल टी को डेल क्यू के अपॉन में लिख दें इस तरह से इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं एन ई ए वी डी ठीक है सो डेल क्यू बाई डेल टी इट इज इक्वल्स टू द करंट इलेक्ट्रिक करंट आई आई इज इक्वल्स टू क्या हुआ एन ई वी डी ए ठीक है नीवा एन ई वी ए इस तरह से आप याद रख सकते हैं ठीक है सो करंट आई इज इक्वल्स टू एन ई वी डी ए करंट एंड वी डी मीन्स किसमें रिलेशन है आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन है अब इजीली आप करंट डेंसिटी में भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से यहां से आई बाई ए ये ए को आप आई के अपॉन में ले लें ठीक है सो एन ई वी डी एंड दिस इज करंट डेंसिटी जे ठीक है जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन जे एंड वी डी ओके ये इस इक्वेशन से हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे एंड उसके लिमिटेशंस को और ओम स्लो किस तरह से डिफाइन होता है इन दिस इक्वेशन ओके सो ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग थैंक यू सो मच